नमस्कार, मैं राज मोहन तिवारी। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार के लिए आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण से जुड़ी बुरी खबर आई है। बिहार में आज नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का एक बार फिर रिकॉर्ड टूट गया है। आज पूरे बिहार से 1432 नए कोविड-19 मरीज मिले हैं। यह संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18,853 हो गई है। बिहार में आज फिर सभी जिलों से कोविड-19 के मरीज मिले हैं। आज बिहार के 4 जिलों से 100 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पटना और नालंदा जिलों से 100 से ज्यादा मरीज विगत 24 घंटे में मिले हैं। नए मरीजों के मिलने की सबसे ज्यादा संख्या एक बार फिर पटना जिले की है। आज मंगलवार को 162 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं विगत 24 घंटे में मिले सभी जिलों के नए मरीजों की संख्या पर। अररिया 15, अरवल 7, औरंगाबाद 12, बांका 10, बेगूसराय 114, भागलपुर 61, भोजपुर 45, बक्सर 26, दरभंगा 15, पूर्वी चंपारण 124, गया 50, गोपालगंज 22, जमुई 31, जहानाबाद 17, कैमूर 10, कटिहार 18, खगड़िया 43, किशनगंज 10, लखीसराय 33, मधेपुरा 12, मधुबनी 35, मुंगेर 48, मुजफ्फरपुर 54, नालंदा 107, नवादा 92, पटना 162, पूर्णिया 6, रोहतास 27, सहरसा 10, समस्तीपुर 22, सारण 37, शेखपुरा 6, शिवहर 2, सीतामढ़ी 5, सिवान 55, सुपौल 20, वैशाली 11 और पश्चिमी चंपारण 58। बिहार में कोरोना का फैलाव कितना बढ़ गया है, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुराने सचिवालय के 33 कर्मियों का सैंपल जांच के लिए गया था, इनमें 5 पॉजिटिव आए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जेडीयू और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राजधानी पटना के बिहार भाजपा ऑफिस के 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी आज मंगलवार को बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि कुल 110 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जदयू से सोमवार को बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए। मंत्री शैलेश कुमार के बारे में बताया गया कि क्षेत्र में ही किसी कार्यकर्ता से संपर्क में आने के बाद वे संक्रमित हो गए। वो अब अपने आवास में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। सोमवार को ही जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जबकि भाजपा विधायक विनय बिहारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का भी फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अचानक से कोरोना की बाढ़ सी आ गई है। सरकार का यह दावा है कि बिहार में रिकवरी रेट काफी अच्छी है, लगभग 73% मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अब बिहार में मरीजों के मिलने की संख्या रिकवरी रेट से कहीं ज्यादा बढ़ते जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है, घरों में रहिए, लॉकडाउन के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन कीजिए। हाँ, यह भी सही है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बिहार में जो स्थिति बन गई है उसके लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। सरकार ने और हमने जो पहले गलतियां की उसका कारण है बिहार में यह दूसरा लॉकडाउन। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।